इसे मैंने अक्टूबर 2022 में, तो मशीन काफी ज्यादा हीट होने लगी। शेयर सम पॉजिटिव एंड नेगेटिव पॉइंट। हाय एवरीवन, वेलकम एंड वेलकम बैक टू आवर चैनल। सो टुडे वी आर गोइंग टू रिव्यू क्लियर लाइन आटा नीडर व्हिच आई हैव बीन यूजिंग फ्रॉम पास्ट 1.5 इयर्स। इसे मैंने अक्टूबर 2022 में 4,500 रुपीज में अमेजोन से परचेस किया था और आज भी इसका प्राइस सेम ही है। इट कम्स विद अ वारंटी ऑफ 1 ईयर। तो इसके साथ मुझे मिला था ये दो ब्लेड जो की प्लास्टिक का है, जिसकी हेल्प से आटा नीड होता है, और ये ब्लेड फिट होता है इस स्टेनलेस स्टील के बोल में, जिसमें आप मैक्सिमम 500 ग्राम्स ऑफ आटा या फिर अप्रोक्सीमेटली 4 कप्स ऑफ आटा इसमें एक बार में नीड कर सकते हो। इसमें एक नॉनस्टिक बोल का भी वेरिएंट आता है, बोथ फॉर लॉन्ग टर्म मेंटेनेंस एज वेल एज बेटर हेल्थ। आई वुड सजेस्ट यू टू गो विद स्टील बोल। साथ में मिलता है एक ये मेजरिंग कप जिसकी प्लास्टिक की क्वालिटी काफी एवरेज है। फिर मिलता है बोल का ये लिड। इसको लगाने से आटा नीड होते वक्त बाहर की तरफ नहीं है। इसकी लिड की क्वालिटी भी आई वुड से एवरेज है, फिर बिलो एवरेज है, क्योंकि यदि एक बार हाथ से छूट के गिर गया ना तो पक्का टूट जाएगा। इसीलिए मैं इसे तभी यूज करती हूँ जब मुझे ज्यादा क्वांटिटी में डो को नीड करना होता है। नाउ कमिंग टुवर्ड्स द मेन मशीन, इसकी प्लास्टिक क्वालिटी बहुत ही ज्यादा एवरेज है। लगेगा ही नहीं कि आपने 4,500 रुपीज देके इसे परचेस किया है। और ये ना मैट फिनिश में है, तो इसमें यदि स्टेन्स वगैरह लग जाते हैं तो इसको क्लीन करना भी बिल्कुल आसान नहीं है। और नीचे की तरफ दिए हुए हैं ये एंटी स्लिप ग्रिप्स। मशीन आती है 3-पिन प्लग के साथ और वायर की लेंथ 1 मीटर से थोड़ी सी ज्यादा है। तो ऊपर टॉप पर ये जो नॉब है, इससे आप टाइमर सेट कर सकते हो अप टू 15 मिनट्स। जो मैनुअल इंस्ट्रक्शन इसके साथ आया था, विच वॉज कम्प्लीटली इन इंग्लिश, उसमें मेंशन था कि डो नीडिंग के लिए आप मैक्सिमम 10 मिनट्स तक ही सेट कर सकते हो टाइमर को। हालांकि इसमें 5 मिनट्स में ही डो नीड अच्छे से हो जाता है। आटा नीड करने के लिए आपको बोल को हाउसिंग में प्लेस करना होता है प्रॉपरली, उसके बाद आप ब्लेड को भी प्रॉपरली अंदर इंसर्ट कर दीजिए। सबसे पहले मैं कम क्वांटिटी में डो नीड करने वाली हूँ, इसलिए यहाँ पर लिड यूज नहीं करूंगी। यहाँ पर मैंने मीडियम कंसिस्टेंसी का आटा बोल में लिया है। एज पर द मैनुअल इंस्ट्रक्शन, जितना आप आटा इसमें ऐड कर रहे हो उसका हाफ आपको इसमें पानी ऐड करना है। लेकिन ये जो 2:1 का रेशियो है, ये हमेशा वर्क नहीं करता है। अमाउंट ऑफ वाटर इज हाईली डिपेंडेंट ऑन द कंसिस्टेंसी एंड द टाइप ऑफ फ्लावर। पर्सनली आई डोंट यूज मेजरिंग कप, तो मैं किस तरह से नीड करती हूँ वो मैं आपको अभी दिखा रही हूँ। और मोस्ट ऑफ द केसेस में ये वर्क करता ही है। आटा ऐड कर दिया, उसके बाद 5 मिनट्स का टाइमर ऑन कर दिया, और अब मैं बहुत ही स्लोली इसमें इस तरह से वाटर ऐड करती जाऊंगी। और इसमें आपको बहुत ज्यादा रुकना नहीं है, ऑलमोस्ट कंटिन्यूअसली आपको धीरे धीरे पानी ऐड करते जाना है। और जैसे ही आपको लगे कि जो पूरा आटा है ये एक सिंगल डो में कन्वर्ट हो चुका है, पूरा आटा एक साथ आ चुका है, वहीं पर आपको पानी डालना स्टॉप कर देना है। और धीरे धीरे करके ये जो एक्स्ट्रा आटा रहता है बोल में, ये मोस्टली तो पुल कर लेता है, कभी कभी हल्का फुल्का रह जाता है। तो ये जो मर्जिंग की स्टेज होती है, या फिर जब आटा एक साथ पूरा मिलने लग जाता है, यदि आप उसके बाद पानी ऐड कर दोगे, एक्स्ट्रा ओवर वाटरिंग हो जाती है, तो धीरे धीरे आप देखोगे आटा तो नीड हो रहा है लेकिन वो बहुत ज्यादा स्टिक हो जाएगा। बोल में आप निकाल लोगे तो हाथ में, बोल में, सब जगह बहुत स्टिक होगा। फिर आपको अलग से निकाल के इसको हाथ से ही मैनुअली सही करना पड़ेगा। डो नीडर में यदि आप सूखा आटा ऐड करके सही करने की कोशिश करोगे तो वो नहीं होता है, उल्टा इसमें लम्स पड़ जाते हैं। सो द नीडिंग इज डन, आई विल वाइप आउट द लेफ्ट ओवर आटा विद द सेम डो। बोल को मैं कैसे क्लीन करती हूँ वो मैं आपको आगे दिखाऊंगी। सिंस आई हैड यूज्ड मीडियम कंसिस्टेंसी आटा, डो बिकेम लिटिल टाइट आफ्टर सम टाइम, सो आई एम जस्ट स्प्रिंकलिंग सम वाटर एंड मेकिंग इट सॉफ्टर यूजिंग माय हैंड। विल अलाउ इट टू रेस्ट फॉर सम टाइम, देन इट इज ऑल रेडी टू यूज फॉर मेकिंग चपातीज। यदि आपको वेजिटेबल्स डालकर डो नीड करना है तो कुछ चीजों का आप जरूर ध्यान रखना। तो यहाँ पर मैं पालक पूरी का आटा लगा रही हूँ, उसके लिए मैंने यहाँ पर होल व्हीट फ्लावर और बेसन मिक्स करके लिया है एंड हैव ऑल्सो एडेड सम सॉल्ट। आई एम ऑल्सो एडिंग घी एंड चॉप्ड पालक। यूजुअली ग्रीन वेजिटेबल्स को चॉप करने से पहले ही हम वॉश करते हैं, तो उनमें थोड़ा बहुत पानी तो रहता ही है। और कई सारी वेजिटेबल्स हो गई जैसे कि पालक, मूली, मेथी, इनमें अपना भी खुद का एक हाई वाटर कंटेंट होता है। इस बार मैं लिड लगा रही हूँ क्योंकि फ्लावर की क्वांटिटी ज्यादा है।
और अब हम पानी को थोड़ा सा लेट ऐड करना स्टार्ट करेंगे, जिससे वेजिटेबल में जो एग्जिस्टिंग वाटर है पहले वो अच्छे से मिक्स हो जाए फ्लावर के साथ, और अब हम धीरे धीरे पहले की तरह वाटर ऐड करना स्टार्ट कर देंगे। लेकिन इस बार पानी थोड़ा और ध्यान से और थोड़ा कम डालिएगा, क्योंकि आटे में सॉल्ट है और वेजिटेबल्स उसके साथ रिएक्ट होने के बाद थोड़ा सा पानी रिलीज करती ही है। तो यदि इनिशियली ज्यादा पानी डाल दिया तो बाद में डो बहुत ज्यादा स्टिकी हो जाएगा। इनफैक्ट ये शूट करते वक्त भी मुझसे थोड़ा सा वाटर ज्यादा ऐड हो गया था। एक और चीज जो मैंने एनालाइज की है, यदि आप इसमें बहुत ज्यादा टाइट डो नीट करने की कोशिश करेंगे, एग्जाम्पल फॉर पूरी, समोसा और मटरी, तो मशीन काफी ज्यादा हीट होने लगती है क्योंकि उसको एफर्ट ज्यादा लगाने पड़ते हैं, तो इससे लॉन्ग टर्म में मशीन की लाइफ पे इफेक्ट पड़ सकता है। तो बेटर होगा कि आप इनिशियली मीडियम कंसिस्टेंसी का आटा लगाएं और बाद में ड्राई फ्लोर ऐड कर लें टू एडजस्ट द कंसिस्टेंसी एज यू वांट। यदि आप डेली या फिर ओकेजनली कुकिंग करते हैं, या हो सकता है आपके हैंड या रिस्ट में कोई प्रॉब्लम हो, या फिर आपने नेल आर्ट कराया हो, या फिर आपको इस बात का डर हो कि आपने या फिर आपकी कुक ने जो हाथों में केमिकल वाली मेहंदी या फिर नेल पेंट लगाया है, कहीं वो चिप ऑफ होकर आटे में मिक्स ना हो जाए, तो उन सभी सिनेरियोस के लिए डो नीडर रियली यूजफुल है। तो ये डो थोड़ा सा स्टिकी हो गया था, तो बाद में मैंने ड्राई फ्लावर ऐड करके इसको सही कर लिया। डो को नीट करने के बाद बोल को मैं इमिडिएटली क्लीन करती हूँ, क्योंकि इसमें जो रेसिडुअल है वो थोड़ा सॉफ्ट स्टेट में होता है। व्हाइट वाले प्लेट को मैं ऐसे ही वाटर से रिंस करके या फिर एक सॉफ्ट स्पॉन्ज से क्लीन करके रख देती हूँ, और यदि मैं इस पर रेगुलर स्क्रबर यूज करूंगी तो उसकी प्लास्टिक जो है वो चिप ऑफ हो सकती है, विच कैन मेक इट अनयूजेबल इन फ्यूचर। और स्टील के बोल को मैं रेगुलर डिश वॉशिंग सोप और स्क्रबर से क्लीन करके ड्राई होने के लिए रख देती हूँ। Now let me share some positive and negative points about this product. Number one, it does what it is supposed to do, which is dough kneading. तो हमारे जो Indian kitchen में हम daily अपना चपाती, रोटी वगैरह बनाते हैं, परांठे, उसके लिए ये dough kneader काफी अच्छा है, और मतलब जो actual problem है वो solve कर रहे हैं। अब जो bowl का size है वो भी काफी appropriate है, it goes well both for small as well as medium size families. और overall जो machine का size है वो भी बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं है, it take less storage space. Now talking about negative points, number one is its plastic quality, which is very very average considering the price, which is around 4500 rupees. मैं genuinely अपनी तरफ से कहूँ तो जब मैंने इसको पहली बार देखा था तो मुझे से देखकर लगा कि इसका प्राइस ना 2-2500 से ज्यादा तो बिल्कुल नहीं होना चाहिए, तो उस हिसाब से तो ये बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव है। दूसरा नेगेटिव पॉइंट मुझे लगता है इसका ब्लेड या फिर हुक, जिससे डो नीड होता है, वो प्लास्टिक का बना हुआ है, उसकी प्लास्टिक क्वालिटी भी बहुत खराब है। मैंने अभी आपको दिखाया भी था कि उसकी प्लास्टिक ना धीरे धीरे से चिप ऑफ हो रही है, और वो खाने के साथ मिक्स होगी इवेंचुअली, विच इज वेरी वेरी हार्मफुल फॉर हेल्थ। प्रोडक्ट ऑलरेडी बहुत पुराना है, इनहांसमेंट होना चाहिए, एंड दैट शुड बी रिप्लेस विद सम काइंड ऑफ मेटल। ओवरऑल इफ आई विल टॉक अबाउट दिस प्रोडक्ट, तो यदि प्राइस इज नॉट अ प्रॉब्लम एंड जनरली आपको इस तरह के प्रोडक्ट की जरूरत है, देन यू कैन कंसीडर बाइंग दिस प्रोडक्ट। लेकिन यदि आप बेकिंग बहुत ज्यादा करते हो या फिर प्रोफेशनली परस्यू करने का सोच रहे हो, और कभी कभार आपको रोटी के लिए, चपाती के लिए डो नीडिंग करनी होती है, तो आप वो बड़ा वाला डो नीडर भी कंसीडर कर सकते हो, इट इज कम्प्लीटली अप टू यू। सो दिस इज इट फॉर दिस वीडियो, एंड आई होप यू एंजॉयड द कंटेंट, एंड इफ यू हैव एनी फीडबैक, सजेशंस, कमेंट्स, देन फील फ्री टू ड्रॉप देम इन द कमेंट सेक्शन। यू कैन ऑल्सो चेक आउट माई अदर वीडियोज ऑन दिस चैनल, एंड इफ यू जेन्युइनली लाइक माई कंटेंट, देन प्लीज गिव अ थम्स अप टू दिस वीडियो, सब्सक्राइब टू माई चैनल, प्रेस द बेल आइकन टू गेट ऑल द फ्यूचर नोटिफिकेशंस एंड अपडेट्स। आई विल सी यू सून इन माई नेक्स्ट वीडियो, टिल देन बाय बाय एंड टेक केयर।